दिन रह गए हैं, 15 दिन किस चीज के रह गए हैं, वो मैं आपको बहुत ही जल्दी रिवील करने वाला हूँ। ठीक है यार, बुआ के ना परेशान कर दिया मैं। ठीक है यार भैया, जो ब्लॉग ना बना रहे जाते हुए कि भाई भाई तेरी कसर भी पूरे कर देंगे जाते हुए के the scars that we prove that it's true, and the ones that bleed remind me of the war that we went through. So guys, after a long 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 time, पूरे एक साल के बाद आज ब्लॉग शूट हो रहा है और ये फिटनेस ब्लॉग है। अभी 15 दिन रह गए हैं, 15 दिन किस चीज के रह गए हैं वो मैं आपको बहुत ही जल्द रिवील करने वाला हूँ। ठीक है, only 15 days left और लाइफ का एक बहुत नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है मेरे लाइफ का। ठीक है, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो उनको भी बहुत जल्द पता लग जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैंने आप लोगों के साथ रिवील नहीं करी, बट बहुत जल्दी यूट्यूब पे जो मेरा रिपोर्ट गुजरा ब्लॉग है इस चैनल पर प्लस में इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ पर रिवील हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये मेरा भाई है, कज़न ब्रदर। सो ये लोग ने आज मेरे को शूट करने के लिए हेल्प करी, जितने भी शॉट देखे इसने। यार तेरा नाम क्या है? सौरभ नाम मेरे को नहीं पता, और साथ में शिवम। हेलो गाइस, सो इन दोनों ने मेरी बहुत हेल्प करी यार शूट के लिए। आई होप कि आप लोगों को शॉट काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तेरा और शूट देखा ना, तेरा तो सिर्फ एक ही शॉट है। बताना चाहिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन मेरी, आई थिंक मैं अभी काफ़ी ज़्यादा लो काप पे चल रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लो काप हैं पिछले एक महीने से, तो अभी 15 दिन लेफ्ट हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द आप लोगों को रिवील करने वाला, और जब तक आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ें लेट थी, जो तो होगा कमेंट सही होगा तो मैं पिन जरूर करूँगा उस कमेंट को। ठीक है यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा ब्लॉग में क्या क्या शूट करूँ, बट एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी, बिकॉज एक साल के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो लेट थी, अब बस मैं कार्डियो और करूँगा, उसके बाद फिर हम जाएंगे। ठीक है, और तुम लोगों को कुछ बोलना था और ये ब्लॉग जो शूट हुआ है ना, ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा पीछे पड़ा था भैया, ब्लॉग नहीं बनाते ब्लॉग। हाँ, ये मेरी बुआ का लड़का है, पलवल में रहता है। ठीक है, तुम्हारा गांव कौन सा? जनौली का आयो ये जनौली का रह रहे हम पलवल में काफ़ी सालों से। अच्छा, जनौली दूर है क्या पलवल? नहीं, 5 किलोमीटर दूर ज़्यादा। ठीक है जी, तो इसी की वजह से ब्लॉग आया, नहीं तो मेरे तो समझ, मेरे को तो भाई बिल्कुल मन नहीं करता ब्लॉग बनाने। मेरा भी बहुत दिन से मन था कि भैया के साथ ब्लॉग बनाऊं, और मैं भी अपने मामा के आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बना। क्या बुआ के ना परेशान कर दिया हमें। ठीक है, कह रहा भैया जो ब्लॉग ना बना रहे जाते हुए, कह रहे कि लाई भाई तेरी कसर भी पूरे कर देंगे जाते हुए के ब्लॉग है शिवम। हाँ, तंग कर रहा है इसके, तंग कर रखा भैया, ब्लॉग बनाओ। बहुत अच्छा वर्कआउट रहा हमारा, और 20 मिनट कार्डियो किया। 20 मिनट काई को बोल रहा, 20 मिनट का तो 14 मिनट करा मैंने, 10 मिनट करा, तो उनका 7-8 मिनट भी करा। 10 मिनट कार्डियो किया, और बहुत अच्छी एक्सरसाइज रही हमारी, चेस्ट करी, बैक करी, और 2-4 एक्सरसाइज थाई के करी थी, बस आनंद आ गया। आज का दिन बढ़िया आनंद आ गया वर्कआउट करके, अगली मील लेंगे घर पर जाकर। चलो, पोस्ट वर्कआउट मीट। ओके, पोस्ट वर्कआउट मीट मैं दिखाता हूँ आपको कि पोस्ट वर्कआउट मीट में क्या क्या ले रहा हूँ। 1/4 स्पून, ठीक है ये वाला, और 200 ग्राम सोया पनीर। सो जी, यही है मेरी पोस्ट वर्कआउट मील, और बस इसको खाने के बाद फटाफट तैयार होता हूँ शादी में जाने के लिए। तो आज हम पलवल जा रहे हैं, जीजू आएंगे तो। ठीक है जी, 4:20 हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं, अभी मेरे जीजू गए हैं टॉफ़ी वगैरह लेने गए हैं बच्चे के लिए। ठीक है, कल मेरे भांजे का बर्थडे है तो उसके लिए टॉफ़ी लेने गए हैं, तो मैं तैयार हो चुका हूँ। और कैसा लग रहा हूँ आउटफिट में ज़रा कमेंट करके बताएं। बहुत मतलब इन सर्दियों में पहली बार पहनी है ये मैंने जो ओवर साइज टी शर्ट है, फुल टी शर्ट, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है, आई नो
आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। और अभी जाऊंगा लेट से, और बच्चे देख रहे हैं बाहर। हाँ जी ये वो कर रहे हो? है हाँ, क्या कह रहे हो? वीडियो बना रहे हो? हाँ मैं भी देखता हूँ आपकी वीडियो। हैं आप भी देखते हो? अच्छा ये भी आएगी अब, आप आ गए मेरे ब्लॉग में। ये कौन है? ये मेरी बहन है। बहन है आपकी? बुआ की लड़की। बुआ की लड़की। हम कल ब्याह में गए थे ना, उसमें आई थी। किसके ब्याह में? यहाँ पुल्लू अंकल के? हाँ। अच्छा आप भी उधर थे? अच्छा आपने देखा था मुझे। हाँ चलो ठीक है, अभी आ रहे हैं। जीजू जीजू से मिलवाऊंगा, ठीक है। ये मेरे छोटे जीजू हैं। 5 सालों के बाद ब्लॉग पे आपका स्वागत है। ठीक है जी, को तो शायद काफ़ी लोग जानते हैं और काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे। खैर हम नए वाले चैनल पर डाल रहे हैं तो इसलिए शायद कम लोग मुझे तो खैर जानते हैं, बट जीजू को नहीं जानते होंगे। ये जीजू मेरे पहले बार व्लॉग में जब आए थे, जब मैं कुवैत से इंडिया आया था ना। हाँ कुछ बोलो तो सही। अरे हाँ बिल्कुल, काफ़ी दिनों के बाद भाई, आज हम सालों के बाद गेट टुगेदर हुए हैं। हाँ और गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, ब्याह में जा रहे हैं। आज हम एक शादी अटेंड करेंगे और ये प्लान हमारा बहुत अचानक से ही बना। अरे हुआ के ये ब्लॉग भी अचानक से बना, वो नहीं है अपने राजेंद्र बुआ का लड़का। अच्छा उनके साथ? कह रहा भैया ब्लॉग नहीं बनाते क्या? मैंने कहा नहीं बनाता हूँ नहीं। मैंने कहा हाँ यार अब मन सा नहीं करता। और अब पीछे ही पड़ा हुआ उस यम के भी, कह रहे जिम कब जाओगे जिम कब जाओगे? मैंने कि जाऊँगा जिम। कह रहा आज मैं भी चलूँगा और ब्लॉग बनाएंगे। ठीक है फिर भैया वहाँ ब्लॉग व्लॉग शूट करा। कह रहा अब जिम से हम वापस घर जा रहे हैं, इसका भी तो ब्लॉग बनाओ। मैंने कहा ठीक है ले। मैंने कहा बुआ के तू नहीं परेशान कर रखो, आज बनाएंगे। कितने सालों के बाद आना तुम्हारे यहाँ? ये हमारी भांजी है, सरवारी है, ये नोना नाम है। हाँ जी आज इनके यहाँ बड़े सालों के बाद आया हूँ। मुझे भी याद नहीं कि मैं लास्ट टाइम कब आया था। टाइम 5:30 और अपना अभी डाइट का थोड़ा सामान भी देके आया हूँ। डाइट का मतलब अपना कॉफ़ी, ठीक है जी, और ये प्रोटीन लेके आया हूँ। रात को जहाँ हम शादी में जाएंगे तो वहीं पर ही मैं वो कर लूँगा। अच्छा पानी लिया, शाबाश। इसमें कॉफ़ी मिलाई जाए। देखो इनको सबको पता है कि मैं कुछ वैसे खाता नहीं हूँ, डाइट पे हूँ। ये लो एक पैकेट डाल देते हैं। पानी और लिया थी, भर के पीऊँगा। हाँ एक पाउच डाल दिए बस। हाँ जी तो आज बड़े सालों के बाद आया हूँ, अपनी बहन से मिलाता हूँ। ठीक है, इस बहन से भी शायद आप ब्लॉग में पता नहीं, आई डोंट नो कि शायद देखा हो नहीं देखा हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ब्लॉग में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। लिटरली जो भी बन रहा है, जो भी शूट हो रहा है, वो मैं सब यू नो कर रहा हूँ। सो एंड यार दिस इज़ माई आउटफिट फॉर टुडे। ये है हमारा भांजा, इसका नाम क्या है? काकू प्रणव। हाँ जी तो ये भी है प्रणव। चले चलो बिहार में रेडी है? क्या क्या खाएगा वहाँ जाके? गुलाब जामुन और पिज्जा। और पिज्जा कहाँ मिलता है यार? मिलता है कॉफी। अच्छा और कॉफी बच्चे नहीं पीते? कॉफी मामू पी तो रहे हैं, बच्चे नहीं पीते कॉफी। कॉफी सिर्फ बड़े लोग पीते हैं। और पाव भाजी। अच्छा और पाव भाजी, रोटी सब्जी। अच्छा बस। और नोना क्या खाएगी? मैं हाँ रोटी पाव भाजी चाउमीन। पाव भाजी चाउमीन और पिज्जा। और पिज्जा कहाँ, कौन से ब्याह में? हमें तो आज तक कोई ब्याह में पिज्जा ना मिला यार। कौन सा ब्याह रहे हैं? हमारे यहाँ तो मिलते हैं। अच्छा जी गांव में मिले हैं? ये शहर तो जाए तो गांव में मिल रहे हैं पिज्जा आजकल। अच्छा जी चलो देखेंगे क्या क्या मिलता है। पाव भाजी और पनीर टिक्का और चिल्ली पनीर और स्प्रिंग रोल और मंचूरियन और बस। ये तो पिज्जा की भी कह रहा, पिज्जा भी मिलेगा कोई ब्याह में तुम्हारे यहाँ? अच्छा जी हमने तो आज तक एक भी ब्याह में ना गए जहाँ पिज्जा मिलता। हमारे साथियों में भाई पिज्जा चाउमीन बर्गर कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह बहुत ही सब चीज़ें, लेकिन पिज्जा तो हमारे यहाँ तो आज तक कोई ब्याह में ना मिला। सब चीज़ मिलती है भाई हमारे साथियों में।
हमारी शादियाँ देसी, हमारी हमारी देसी शादियाँ नहीं है, हम गाँव में रह करके हम विदेशी हैं। चलो भाई चलो, क्रिया बना रही चाय। हाँ ये हमारी बहन, हेलो, हेलमेट पहने कर स्कूटी चलाते समय, सही है? हाँ हेलमेट नहीं पहनती तुम्हारी मम्मी, बोला कर। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 8 बजे और हम जाने के लिए तैयार हैं वापस घर। ठीक है जी, तो सुबह शादी से हम लोग आ गए थे, तो आज मेरे भांजे का बर्थडे, हमें तो अभी पता लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू क्या नाम है काकू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा बताओ क्या चाहिए? वॉच। किसकी? मेरी ये वाली वॉच नहीं है। चलो ठीक है, मैं आपको अभी तो नहीं, जब मैं दूंगा वॉच, प्रॉमिस। अब ये नहीं बता कर। हाँ लेकिन मैं आपको वॉच जरूर दूंगा। ये क्या चीज है भैया? अरे ये स्टड कान में पहनने का, पहना दो कान में। नहीं मैं ये वाले नहीं पहनता, मैं ये वाला, ये ऐसे वाले पहनता हूँ कान में। ये रखे यहाँ रखा है। हाँ बताओ भाई। फिर यार आप मेरे को पहले पता था, मैं आपको चॉकलेट लेके आता है, कुछ लेके आता है। चलो कोई नहीं, मैं आपको पार्टी ही दूंगा फिर। ठीक है, अब बुखार कैसा है अब हैं? दिखा, अब स्कूल जा रहे हो आप? नो, जा रहा है लेकिन वहाँ पे टॉफी देके आ जाएगा। अच्छा। मम्मी ने मना कर दी। चलो ओ जाओ रेडी, चलते अब पे। बड़ा बेकार सा सपना आया था, बहुत बेकार बेकार, इतना गंदा सपना आया था, इतना गंदा सपना है कि क्या बताऊं। बस बताओ फिर। अरे बताना वाला नहीं है ना। चलो लेट्स गो, चलते हैं घर यार। और आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, फिर अब घर जाके काम वाम करने बहुत सारे आज। चलो बाय बाय, बाय बाय कर, बाय 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 करता।